कहना होता था कि जहाँ जहाँ तेरी पोजेशंस होंगी वहाँ वहाँ तेरा ध्यान ज़रूर जाएगा, जिस जिस को मेरा माना होगा, चाहे वो चेतन प्राणी हो चाहे वो जड़ माया हो, जहाँ भी आपका मेरापन होगा आपका ध्यान वहाँ पर ज़रूर जाएगा। अनुभव करना, अपने बेटे में ही मन जाता है, पड़ोसी के बेटे में मन नहीं जाता है। अपने ज़मीन जायदादों में मन जाता है, पड़ोसियों की ज़मीन की रखवाली कोई नहीं करता है। तो जहाँ जहाँ पर अभी पोजेसिव मूड है, मान के चल रहे हो मेरा, वहाँ वहाँ पर आपका ध्यान जाएगा। ध्यान हटाने का तरीका ये नहीं है कि आप बार बार सोचो ध्यान हटा लूँ ध्यान हटा लूँ, पर मेरा मानना छोड़ दो, ध्यान अपने आप हट जाएगा। समझो आपके पास एक मकान है, आपने उसको सेल कर दिया। अब जब सेल कर दिया तो कई बार निकलते हैं वहाँ से, मेंटेन नहीं होता घर, खिड़की टूटी पड़ी है, दरवाज़ा पुराना हो रहा है, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने बेच दिया। झगड़ा तो सारा पॉजिटिव मूड का। दादा भगवान जहाँ रहते थे उनके पड़ोस के घर में आग लग गई। दादाजी की पत्नी को अंदर ख्याल चलने लगा ऐसे एक दिन मेरा घर भी जल जाएगा। बहुत परेशान रहने लगी, रोने लगी। दादाजी एक दिन घर पे आए, बोलते हैं सुनो मैंने ना ये घर बेच दिया है। एक बार तो बड़ी खुश हो गई, अच्छा किया बेच दिया, अब जलेगा तो उसका जलेगा जिसने ख़रीदा, हम लोग तो सेफ हो गए। पर अगली मिनट बोलती हम रहेंगे कहाँ। दादा ने बोला मैंने सेटिंग कर ली है, इसी घर में रहेंगे, बस उसको किराया देते आएंगे। अब वो पूरी ज़िंदगी सुख से काट गई ये सोच के कि अब ये घर हमारा नहीं है, किराए का घर है, और जलेगा तो उसका जलेगा, ना जला ना कुछ हुआ। लेकिन जो उसके अंदर एक ख्याल था, दादाजी एग्जाम्पल देते थे कि अगली के अंदर पजेसिवनेस के कारण ख्याल था, मेरा मान रही थी तो उसको ख्याल चल रहा था। अब जब उसने मेरा ही मानने से इनकार कर दिया तो झगड़ा सारा ख़त्म हो गया। तो ऐसे जब आपको कहा जाता है सब ईश्वर अर्पण करो, तो मतलब यही है कि आप इस पोजेसिवनेस से छूटो। अब शरीर पर भी पोजेशन रखो, फिर इसके सुख के लिए पोजेसिव हो जाओगे, इसके मान सम्मान के लिए पोजेसिव हो जाओगे, ये भी मेरा नहीं, जड़ माया चेतन माया कुछ भी मेरा नहीं, तो आपका ध्यान नहीं जाएगा। जहाँ जहाँ ध्यान जा रहा है वहाँ मेरेपन की भावना है, मेरा मान के चल रहे हो, मेरा है सुखी रहे, मेरा है खुश रहे, मेरा है उसको कोई परेशानी ना हो, अंदर अंदर दिमाग चलता है। और ज्ञानी जानता है कि हर कोई अपने कर्म का हिसाब किताब पूरा कर रहा है। अब वो उसका प्रारब्ध कर्म भी हो सकता है और वो उसका क्रियामान कर्म भी हो सकता है, दोनों बातें। भाई प्रारब्ध कर्म है किसी का तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते, हर एक को अपने कर्म का भुगतान करना होगा। कभी कभी किसी का क्रियामान कर्म है, आज वो अपनी करनी ऐसी कर रहा है या अपना स्वभाव ऐसा बनाया है, जो कुछ भी कह लो, कई लोग मोहवश सहते हैं, कई लोग कमज़ोरी वश सहते हैं, तो भी तो कर्म का हिसाब मान के छोड़ना ही पड़ेगा ना। अब ज्ञानी अंदर से चिंतन रहत हो जाता है, ठीक है जैसी जैसी कर्म कहानी है किसी की वो सामने आएगी आएगी, और जब आप
नहीं छोड़ पाते हो तो ये आपका मोह का संबंध है। ये दुखी क्यों है, ये सुखी क्यों है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों है, बेटे को नौकरी क्यों नहीं लग रही है, अच्छा क्या हो गया फिर, अब नहीं है उसका हिसाब किताब, अभी समय पे मिल जाएगी, वो बिजनेस करता है फलता क्यों नहीं है, है उसका हिसाब किताब, ऐसा आप कुछ कर नहीं सकते हो। अब कई बार प्रारब्ध कर्म आड़े आते हैं और कभी कभी इंसान के क्रियामान कर्म, उसकी नियत अच्छी नहीं है, हेरा फेरी की आदत है, खाने पीने की आदतें हैं, बहुत सारे क्रियामान कर्म भी ऐसे हैं जो इंसान की प्रारब्ध में रुकावटें पैदा कर देते हैं। प्रारब्ध होती है लेकिन क्रियामान कर्म खराब कर देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आता है कि दो दोस्त थे, इकट्ठे रोज़ निकलते थे, एक मोड़ पे अलग होते थे, एक जाता था वैश्या के घर, दूसरा जाता था गुरु के मंदिर में, गुरु के पास। एक दिन दोनों जब अलग होने लगे, वैश्या के पास जाने वाले को अचानक पैर के पास सोने की गिन्नी मिली, जो गुरु के पास जाता था उसके पाँव में कांटा चुभा। वो मजाक उड़ाने लगा, बोला मैं गलत जगह जाता हूँ तो भी भगवान ने सोना दिया, और तू गुरु के पास जाता है तो भी तेरे पैर में कांटा चुभा। मजाक उड़ाते हैं दुनिया वाले ऐसा, लेकिन श्रद्धावान था, बोला भाई मैं गुरु से जाके निवारण करूँगा, अभी मैं कुछ नहीं कह रहा। गुरु के पास गया, गुरुजी आज एक संशय है, पूछो बेटा। सारी कहानी सुनाई, गुरु ने बोला चलो उस जगह चलते, दोस्त को भी बुलाओ। वहाँ पर गए, जहाँ उसको अशर्फी मिली थी, गुरु ने बोला खुदाई करो। खुदाई करी तो नीचे पूरा एक घड़ा अशर्फियों का भरा हुआ, सड़ा हुआ पड़ा था। जहाँ इसको कांटा चुभा, इसको खोदो, नीचे हजारों कांटों का एक हार, वो सड़ा हुआ पड़ा था। गुरु ने बोला समझ आया, प्रारब्ध से उसके पास इतनी अशर्फियाँ आनी थीं, लेकिन गलत कर्म की वजह से एक अशर्फी मिली, बाकी धरती में ही सड़ गई। बोला तेरे को इतने कांटे चुभने थे हजारों, पर जो तेरा पुरुषार्थ था परमात्मा की तरफ, हजारों में एक ही कांटा लगा। तो अब किसी के लिए भी हम चिंतन करके क्या करें, कभी किसी के प्रारब्ध कर्म, कभी किसी के क्रियामान कर्म आड़े आते ही रहते हैं। माँ भी जो जन्म दे सकती है वो प्रारब्ध नहीं दे सकती है, जन्म दिया उसने लेकिन किस्मत तो अपनी अपनी सारे बच्चों की। एक ही माँ के दो बच्चे होते हैं, एक लाखों करोड़ों में खेलता है, एक के घर खाने को रोटी भी नहीं होती है, अपना अपना हिसाब किताब है। मोहवश माँ रोती रहती है, इसको कहेगी दूसरे की मदद कर, ऐसा कर वैसा कर, कभी यत्न करेगी, कभी अपने में से देगी, लेकिन फिर भी उसके घर बरकत नहीं होती है, क्योंकि उसका हिसाब किताब ही ऐसा है, कुछ कर नहीं सकते हैं। हिसाब है ना, लेकिन रुलाता कौन है, मेरापन रुलाता कौन है, अपनी आसक्ति। हम अपने मोह में आके परेशान हैं, वरना परेशानी कुछ नहीं है। संसार में जो जीव आया अपना अपना प्रारब्ध साथ लेके आया, सबके सिर पे प्रारब्ध की गठरी है। सौतेली माँ ने बच्चे को घर से निकाल दिया, दूर जाए तो उसको लगे इसके सिर पे गठरी है, वापिस बुलाए तो खाली हाथ था बच्चा। कई बार कर बैठी, संत आ गया, बोला क्या बात है, बोली ये दूर जाता है तो इसके सिर पे गठरी दिखती है, नज़दीक आता है तो कुछ है नहीं, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। संत कहने लगा इसके सिर पर इसकी प्रारब्ध की गठरी है,
तू घर से निकाल सकती है, प्रारब्ध तो नहीं छीन सकती किसी की। अब दोनों बातें हैं, किसी की प्रारब्ध है उसको मिलके रहेगी, पर किसी के कर्म का भोग है तो भी भोगे बिन छूटे नहीं। कर्म गति अति बलवान, कर्म की गति बहुत बलवती है, भोगने के सिवाय छूटती नहीं है। कोई कुछ भी कर ले, जो कर्म का हिसाब है सो है। अब हम अशांत होते रहते हैं, किसी बच्चे को बीमारी आ जाती है, किसी को दुख आ जाता है, किसको तकलीफ आ जाती है। अब प्रारब्ध कर्म है ना, तुम उसमें क्या करेंगे? पर तुम अपनी अटैचमेंट के कारण परेशान होते हैं। जगत सत मानते हैं, भटकता है ख्याल। हालतें सच मानते हैं, भटकता है ख्याल। है तो एक रंगमंच, सारे अपना अपना पार्ट प्ले करने आए हैं। इस रंगमंच में और कुछ भी नहीं है। अब अगर दिखाया गया रामलीला में दशरथ जी का शरीर शांत हो गया, तो जो दशरथ का पार्ट कर रहा है वो शांत नहीं हुआ। खाली वो पार्ट अब आगे कंटिन्यू नहीं होगा, ऐसा ही तो होगा ना। वो व्यक्ति तो जीवित है, पर उसमें दिखाया दशरथ जी मर गए। अब आत्मा ने जो चोला धारण किया, इसकी अपनी मियाद, इसके अपने कर्मों के हिसाब किताब, लेकिन आत्मा तो शाश्वत है, आत्मस्वरूप में तो कुछ है नहीं। अब ज्यों ज्यों ज्ञान समझ आएगा, त्यों त्यों आपके मन की भटकनें खत्म होती जाएंगी। वैसे भी अगर आपको सबको छोड़ना है, कैसे छोड़ोगे? बोला सबकी डोरियां ढीली हो सकती हैं अगर आप सबको प्रारब्ध पर छोड़ दो। सबकी अपनी अपनी प्रारब्ध, कह के डोरियां ढीली कर दो। अब जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ, तो बड़े लोगों से कभी हम पूछते हैं कि आपके पेरेंट्स ने आप लोगों को भेज दिया कुछ? बोला यही कह के भेजा, भाई तुम्हारी किस्मत, जाओ। बच गए, हम भी बच गए, तुम भी बच गए, मिल जाएंगे आके, नहीं तो ठीक है फिर जो तुम्हारे साथ होना होगा तुम्हारे साथ होगा, हमारे साथ होना होगा हमारे साथ होगा। अब ये चीज़ उन्होंने लागू की एक मुश्किल में फंस के, एक प्रॉब्लम आ गई, हालत आ गई, तब उन्होंने उस चीज़ को मान लिया। या कभी कभी आपके बच्चे नहीं मानते, नहीं सुनते, तो आप कहते हो ठीक है बेटा फिर जो तेरी किस्मत, जा, छोड़ देते हो ना कि जो तेरी किस्मत जा। लेकिन मजबूरी में लोग छोड़ते हैं, ज्ञानी स्वेच्छा से त्याग करता है ऐसा। वो जानता है कि मैं चाह के भी कुछ बदल नहीं पाऊंगा, ठीक है, सबका प्रारब्ध का हिसाब किताब उसके साथ है। क्योंकि इस संसार में क्या है, जग जिसे कहते हैं कर्मों की खेती है, जैसा यहाँ बोए कोई वैसा फल देती है। तूने बोया क्या था प्राणी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। जो जो बीज कोई डाल के आया वही तो काटेगा। अब किसी ने बबूल का पेड़ बोया, किसी ने आम का बोया, उसके आंगन में वही फल गिरेगा। जिसने बबूल बोया उसके आंगन में आम नहीं गिरेंगे, जिसने आम बोया उसके आंगन में बबूल नहीं गिरेगा, वही गिरेगा जो बीज आ गया। अब चाहे हमारा इस जन्म में संबंध देखने में आ जाए कि हमारा अगले से संबंध है, और हम उस संबंध को सच मान के अशांत भी होते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? संबंध किसी का किसी से नहीं है। हर कोई अपने अपने कर्मों की खेतियां काटने आया, ठीक है। हम किसी को गाइड कर सकते हैं, समझा सकते हैं,
पर कई बार आपने देखा होगा, हमारे कहने के बाद, गाइड करने के बाद भी किसी की बुद्धि में बात नहीं जाती, उसमें भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो उसका प्रारब्ध का हिसाब है, ईश्वर अंदर से उसकी बुद्धि वैसी चलाता है। हम चाह के भी नहीं बदल पाएंगे। बड़ी कोशिश करते हो बच्चों को पढ़ा दें, ट्यूशन्स रख दें, पैसा खर्च कर दें, बड़ी कोशिश करते हो, लेकिन अगले की बुद्धि में कुछ जाता ही नहीं। अब जो उसका प्रारब्ध का फेर बना हुआ है वो उसको चलाता रहता है ना, और कहीं कहीं पर साधन नहीं होते और बच्चे बहुत अच्छे निकल जाते हैं। कई बच्चे आते हैं अपनी स्कॉलरशिप्स लेके ही आगे की पढ़ाइयाँ करने चले गए हैं, इतनी स्कॉलरशिप मिल रही है, फॉरेन में जाके पढ़ रहे हैं, है ना हिसाब किताब। घर में साधन नहीं है, हम अचानक सुनते हैं बात, भई हम फलानी कंट्री जा रहे हैं, ये तुम्हारे घर में हिसाब है ऐसा, दिखता तो नहीं। बोलते हैं नहीं, हमको स्कॉलरशिप मिली है, मैंने मेहनत की, पढ़ाई की, स्कॉलरशिप मिली, अब हम जा रहे हैं, हमारे घर वालों का खर्चा नहीं होगा, हम 3 साल पढ़ के आएंगे उधर, है ना हिसाब। स्वामी राम तीर्थ जैसे सड़क की बत्ती पे भी पड़ गए, और तुम्हारे घर में एसी भी है, टेबल चेयर भी है, टेबल लैंप भी लगी है, ट्यूटर भी आता है, स्कूल भी तुमने इंटरनेशनल स्कूल में डाला है बच्चों को, स्कूल भी एसी है, कैंटीन भी एसी है, बस भी एसी है, इतनी फैसिलिटीज़ के बाद भी बच्चा जब रिपोर्ट कार्ड लाता है रेड मार्क लगे होते हैं सारे, हिसाब किताब नहीं है तो क्या है। मैं बनाना चाहता हूँ फलाना, उसकी प्रारब्ध में होगा तो बनेगा, नहीं तो तुम भी क्या करोगे। मैं किसी को सुखी करना चाहता हूँ, अब ब्रह्मज्ञानी से अच्छी भावना तो किसी की हो नहीं सकती है। सबसे उत्तम भावना ब्रह्मज्ञानी की है, वो चाहता है जड़ चेतन का उद्धार हो जाए, लेकिन दिक्कत कहाँ पर आ जाती है कि अगर कोई अपनी कृपा नहीं करे तो क्या हो सकता है। कभी किसी के प्रारब्ध कर्म आड़े आ रहे हों, क्या हो सकता है, फिर छोड़ना ही पड़ता है। कई बार इस मार्ग पर भी लोग आ जाते हैं, वो नहीं कैच कर पाते जो कैच करवाना चाहते हैं, सूक्ष्म बुद्धि नहीं हो पाती, विवेक नहीं जाग पाता, आते भी हैं जाग नहीं पाते, तो फिर वक्त पर छोड़ना पड़ता है। भाई ठीक है, जैसा इनका हिसाब किताब होगा, कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ छेद करके किसी की बुद्धि में तो नहीं डाल पाएंगे। कभी कभी होता है कईयों के संस्कार बहुत आड़े आते हैं, पुरुषार्थ ही नहीं करने देते, जागने ही नहीं देते, अपनी उस जड़ता को ख़त्म करने के लिए मेहनत भी चाहिए होती है, और कभी कभी अपने संस्कारों से लड़ाई भी ज़बरदस्त लगती है। तो कोई किसी के लिए कुछ कर नहीं सकता है। क्या गुरु नानक देव जी ने आजीवन ये चाहा होगा मेरा डेढ़ शिष्य बने? उन्होंने तो लाखों को तारना चाहा होगा। अब भजन हम लोग गाते हैं, मक्के चले गए, हाजी चरण घुमावे, मक्का घुमदा जावे, पर आगे बात ही नहीं आई, हाजी फिर कहाँ गया? भर्तरी को जागृत किया, फिर भर्तरी कहाँ गया? आगे बातें ही नहीं आई। मतलब महापुरुषों ने मेहनत तो बहुत की, लेकिन पूरे जागे कितने लोग? अब जब अवतारी कुछ नहीं कर पाए, आप क्या कर लोगे संसार में? संत जगत में आते हैं जग तारण के लिए, आदि व्याधि उपाधि अविद्या तारण के लिए। संत भी इसीलिए आते हैं, शरीर के कष्ट भी इसीलिए सहते हैं कि सबको सुख दे पाएं।
पर उसके बावजूद भी कितने लोग उनसे आत्म सुख ले पाते हैं, कितने लोग सुखी हो पाते हैं। तो बैठ के दुखी नहीं होते ना किसी के लिए। आपसे जो बन पाता है आप करो, लेकिन दुखी क्यों होना, चिंतन क्यों करना, ख्याल क्यों करना, परेशान क्यों होना। ठीक है, जो जो जैसा जैसा हिसाब है जिसका, बहुत बढ़िया। डोंट डू गुड बट सी गुड, अच्छा देखना शुरू करो। अच्छा करने के लिए गुरु ने कहा ही नहीं, गुरु ने आपको बोला है सी गुड, अच्छा देखो, हर चीज़ को अच्छा करके देखो। इट्स वेरी राइट विच सीम्स मोस्ट रॉन्ग। नज़रिए बदलने पड़ेंगे अंदर से। अब जहाँ पॉजिटिवनेस होती है ना, वहाँ नज़रिया नहीं बदलता। अब अर्जुन का अपना कारण आया, अब युद्ध तो कई कर आया होगा, मशहूर कैसे था योद्धा, कई युद्ध करे होंगे ना, जीता होगा। लेकिन आज जब अपने वालों का युद्ध सामने आया, वहाँ उसकी हालत बिगड़ गई, कमज़ोर पड़ गया। प्रॉब्लम कहाँ है, अब इतने मारे होंगे तब इसको दर्द नहीं हुआ, खून से सनी धरती नहीं दिखी, कुछ नहीं हुआ। आज आ गया मेरे वालों से युद्ध, अब देखो कितनी सारी बातें उसके दिमाग में आ गईं, अभी तक नहीं आती थीं। बड़े मज़े से जाता था, तीर चला के तलवार चला के विजयी होके आ जाता था। आज आ गया युद्ध मेरे वालों का, अब कहानी बदल गई। भगवान को भी साथ में ला लिया, पहले साथ में लाया युद्ध करने चलो, फिर साथ में ला लिया, भगवान हमको दोष लगेगा। अरे भगवान को क्यों लगेगा, तेरे को लगे, उनको कहता हमको दोष लगेगा, चलो चलते हैं, वर्ण संकर पैदा होगा, ऐसा होगा। आज ये थियरी कहाँ से आ गई है। आप देखो परिस्थिति वही, जब मेरे वाले उसमें शामिल होते हैं तो आपकी विचारधारा कुछ और होती है, सिद्धांत कुछ और होते हैं, बातें कुछ और होती हैं। और अगर ये बात दूसरे से लागू हो जाए तो आपका विचार बिल्कुल फर्क हो जाता है, एकदम डिफरेंट। आपका एटीट्यूड एकदम डिफरेंट, आपकी सोच एकदम डिफरेंट, अब सोच अलग हो जाती। बताया ना, वो लेडी आई एक, कहती है मेरी बेटी की सास मेरी बेटी से ऐसे करती है, ऐसे करती है, बुराइयां करती है। अब आप बताइए मेरी बेटी में कोई गुण नहीं होगा, वो नहीं देखती। थोड़ी देर बाद लगी बहू की बुराइयां करने। अब उसको यही कहा गया कि जो नज़रिया तो अपनी समधन से उम्मीद कर रही है तेरे पास कहाँ है, क्या तेरी बहू में कोई गुण नहीं होगा। फर्क हो जाता है ना, बेटी की बात है तो उसको गुणी गुण दिख रहे हैं, बहू की बात है तो अवगुण दिख रहे हैं। ये हमारी जहाँ पोजेशंस हैं वहाँ पर हमारे सिद्धांत बदल जाया करते हैं। अभी डॉक्टर को बोलो अपनी पत्नी का ऑपरेशन करे, नहीं कर पाएगा, बाहर से डॉक्टर बुलाएगा, क्योंकि उसके हाथ कांपेंगे, मेरी पत्नी। बाहर से टीम बुलाएगा डॉक्टर्स की, उनसे सर्जरी कराएगा, हिम्मत नहीं होगी करने की, डर है अंदर में, मुंह आ गया ना। एक जज है, कितनों को फांसी की सजा सुना चुका, लेकिन जिस दिन अपना बेटा कटघरे में खड़ा होगा उस दिन कहेगा कानून बदलना चाहिए। हमारे देश का ना कानून ही ठीक नहीं है, कानून बदलना चाहिए। तो ये जो मेरापन है वो आपके ज्ञान को भी बदलता रहता है, चेंज कर देता है बात को,
क्योंकि अंदर आ गया मेरापन, मैं और मेरा। और अगर आप ध्यान दो, आपकी सृष्टि कितनी है, जो सारा दिन आपका मन चक्कर मारता है, कहाँ मारता है? सिर्फ आपकी अपनी सृष्टि में। मैं और मेरे तक ही तो ख्याल जाता है, इसके आगे कहाँ जाता है? सिर्फ मैं और मेरे तक। अपने घर छोटा बच्चा है, किसी शॉप से निकलोगे चीज़ें दिखेंगी। अपने घर कोई छोटा बच्चा नहीं है, शॉप पता ही नहीं चलती, निकल भी गई आगे से, ख्याल कहाँ जाता है? इसी सृष्टि में सारा दिन हमारी सोच, हमारा कर्म मैं और मेरे वालों तक ही, इसके आगे सोचते ही नहीं। निष्काम तो ब्रह्मज्ञानी होता है जो सर्व के हित के लिए सोचता है, वरना बाकी सब लोगों को आप देखोगे वो मैं और मेरे तक ही सोचा करते हैं, इसके आगे नहीं। जब तक मेरापन नहीं तब तक सब कुछ ठीक। भाई एक थाली में खा लेते हैं, एक दूसरे की शर्ट पहन लेते हैं, पैंट पहन लेते हैं, लेकिन जिस दिन अपनी अपनी शादी हो गई, गृहस्थी बन गई, अब वो बीवी बोलेगी आपका भाई क्यों पहनता है, खराब करके ले आता है, आपकी पार्टी वेयर शर्ट है, मैं और मेरे बने, अपना बच्चा हो गया, अब माँ बाप से भी हिस्सा चाहिए, अब भाई से भाई अलग हो जाएगा। ये पॉजेसिवनेस ही तो है, मेरेपन का ही तो परिणाम है सारा। घर वही, लोग वही, अचानक भाई भाई का दुश्मन कैसे हो गया, अचानक ये प्रेम द्वेष में तब्दील कैसे हो गया, अचानक ये मिलन विछोड़ा कैसे बन गया, क्योंकि मेरा बढ़ने लगा। जहाँ मेरेपन की सृष्टि का विस्तार होगा, अभी लड़के को लड़की मिल गई, अब माँ से धीरे धीरे दूर होने लगा, बाप से धीरे धीरे दूर होने लगा, क्लोजनेस कहाँ बढ़ रही है, पत्नी मेरी उस पर पूरा अधिकार है, बच्चा मेरा उस पर पूरा अधिकार है, नज़दीकी वहाँ बढ़ने लगी। सब जगह आप देखना ये मेरापन आपको तंग कर रहा। आपको पूछो ब्लैक मनी क्यों रखती हो, अरे बच्चे कभी मांग लेते हैं, हस्बैंड मना कर देते हैं, उनके लिए करते हो। माँ को जाके देखो, सब भगवान बोलते थे एक गांधारी अंधी नहीं थी, उसने पट्टी बांधी ना गांधारी ने, पति अंधा था, पति के मुंह में आके पट्टी बांध ली। बोला ये सारी माएँ जो मुंह में मरती हैं गांधारियाँ ही तो हैं, गांधारी का पाठ करती हैं, और जहाँ माँ गांधारी होगी बेटा तो दुर्योधन होगा ही सही। माँ गांधारी है क्यों, चोरी ठगी करती है बच्चों के लिए, गलत बातों पे पर्दे डालती है बच्चों के मुँह में आके, गांधारी का पार्ट प्ले करती रही। और क्यों किया, उसका तो पति अंधा था, यहाँ पति को अंधा बनाए रखती हैं। बच्चे बड़े होते हैं देखते हो पति को अंधा बनाए रखते हो, बताओगे ही नहीं बच्चे ने गलत किया, कोई कुकर्म करके आया, कोई बात हुई, कोशिश करती वो पति अंधा बना रहे, और अपनी आँख पे मुँह की पट्टी बांध लेते हो, मैंने भी कुछ नहीं देखा, मैंने भी कुछ नहीं जाना। ये अभी जितनी माताएं बैठी हैं, विरले विरले कोई होगी जिसके पास कुछ बात ना हो, वरना सब माओं के पास बच्चों के पर्दे हैं, ढके हुए हैं, रहस्य हैं ही हैं अंदर, जो पति को भी नहीं पता आज तक। जब रोती हैं ना आके, मैंने तो इनको भी नहीं बताया, बचपन में इसने ये भी किया, ये भी किया, पति को बनाया धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र बना दिया, खुद बन गई गांधारी। अब जिन बच्चों की परवरिश ऐसे माँ से हुई वो बने दुर्योधन, दुर्बुद्धि वाले।
कहीं भी देख लो, हमने तो बहुत अनुभव करके देखा है, जिन माओं ने सत्संग सुनने के बाद भी मुंह नहीं छोड़ा, बच्चों के लिए चोरी, ठगी, बेईमानी, उनके कर्मों पे पर्दे, रिश्तेदारों को पता ना चले, पड़ोसियों को पता ना चले, पर्दे डाल डाल के पुलिस स्टेशन तक भी घूम लिए तो भी पर्दे डाल लिए, किसी को पता ना चले, लड़ लिए सबसे, आना जाना छोड़ दिया सबसे कि फिर हमारे घर में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, हमारे बच्चों की पड़ताल ना होगी। पर बच्चे निकले कैसे? बच्चे निकले दुर्बुद्धि वाले, दुर्योधन निकले, दुशासन निकले, ऐसे ही निकलेंगे। और फिर आगे चल के वो बच्चे ऐसी माओं को भी लात लगाते हैं, जरूर लगाते हैं, सुख उनको, तुम करते हो ये सब सुख के लिए कि बच्चे मेरा बड़ा एहसान मानेंगे और मेरे पैर धो धो के पिएंगे, मेरे को भगवान मानेंगे, लेकिन उन्हीं के कारण तुम समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं, चार रिश्तेदारों को फेस करने लायक नहीं, आने जाने लायक नहीं, तुम्हारी स्थिति क्या हो गई? अगर उसके पहले कर्म कोई उजागर कर देते, शर्म के मारे, डर के मारे सुधर जाता था। हम बिगाड़ में साथ देते हैं, सुधार में नहीं। हम सोचते हैं हमने साथ दे दिया, वार्निंग दे दी, अब ये सुधर जाएगा। अगले को पता चल गया कि ये लोग अपनी इज्जत के मारे पर्दे डालते हैं, उसका हौसला और खुल जाएगा, उसको पता है फिर मुझे साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। करते जाते हैं गलत पे गलत कर्म, और तुम उनको कुछ कहने लायक इसलिए नहीं हो क्योंकि वो तुम्हारा ही कान काटेंगे। चोर ने काटा माँ का ही कान, चोर पकड़ा गया, शातिर चोर, सजा मिली कि इसको फांसी दो। फांसी से पहले पूछा अंतिम इच्छा, बोला माँ को गले मिलना चाहता हूँ। माँ बड़ी खुशी खुशी आई, चोर बनाने वाली तो माँ ही होती है। जब बच्चा पहले दिन पेंसिल रबड़ ले आया, उसी दिन चार मारती तो बड़ा चोर ना बनता ना, पर बड़ी खुश, आखिर मेरी कदर की। पास गई तो उसने मुंह से कान काट लिया माँ का। बोला जाते जाते भी तकलीफ दे के जा रहा है? बोला नहीं, ये मर रहा हूँ मैं तेरे कारण। मैंने जब पहले दिन चोरी की थी, अगर तू मुझे उसी दिन तू सजा देती, मेरे कान खींचती, तो मैं आज ये चोर इतना बड़ा ना बनता कि मेरे को फांसी लगती। ये तेरा दोष है। तो ये जो बच्चे संस्कारी नहीं हो पाते, बिगड़ैल रह जाते हैं, कई माएँ रोती हैं, मैंने ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे, अच्छे भी नहीं दिए थे, सिर्फ रोती हैं, मैंने तो ऐसे संस्कार नहीं दिए थे, तो अच्छे कौन से दिए थे, कमाई कौन सी खिलाई थी, उनके कौन कौन से कर्मों में सहयोग दिया था, कौन कौन सी गलतियों पे पर्दे डाले थे, अब भुगतान तुम ही करो बैठ के। ये जो मेरापन है, ये हमेशा कोई भलाई की तरफ नहीं, बुराई की तरफ ज़्यादा जाता है। माता मदालसा जैसी बच्चों को सन्यासी बना पाई, माँ ग्रस्त में बैठी है, बच्चे सन्यासी तैयार कर दिए, छः बेटे सन्यासी बना डाले। सातवें को भी राजा ने पकड़ा, बोला एक तो छोड़ दे राज्य चलाने के लिए, उसको भी ज्ञान लिख के ताबीज बांध दिया और बोला बेटा जब मुसीबत आए ताबीज खोल के पढ़ लेना। और उन छः बेटों को खबर भेज दी, ये राज्य में मगन ना हो जाए और इसका ज्ञान अधूरा ना रह जाए, सजग रहना, पहरा देना, इसको होश में रखना। माँ तो चली गई, छः भाई एक दिन आ खड़े हुए, हम तेरे भाई हैं, राज्य में हिस्सा चाहिए। घबरा गया, उसको तो ये था मैं अकेला राजा। बोला नहीं, हम भाई हैं तेरे। सारी हिस्ट्री पता करी, भाई सात भाई,
अब एक व्यक्ति सारी जमीन जायदाद का मालिक हो, अचानक 6 दावेदार और आ जाएं, बहुत परेशान। विचार चला, माँ ने कहा था ये ताबीज़ खोल के पढ़ लियो मुसीबत में, खोल के पढ़ा, उसमें सारा आत्मज्ञान। सुबह उठ के उनको बुला के कहते, छियों तुम ले लो, मैं जंगल जा रहा हूँ। मुझे आँख खुल गई, मुझे समझ आ गया, सच मिल गया मुझे। भाइयों ने बोला, हम तो जगाने आए थे, हम तो सन्यासी हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। वही लड़का आगे चल के निर्मोही राजा के नाम से मशहूर हुआ। राजा और निर्मोही अपोजिट वर्ड हैं, लेकिन वो निर्मोही राजा बना। संस्कार देने वाली माएँ हों, ये संस्कार दे सकती हैं, लेकिन अपने ही संस्कार ना हों, अपना ही स्वभाव हो गलत का, चोरी का, ठगी का, झूठ का, हेरा फेरी का, संस्कार कहाँ से दे पाओगे? संस्कार बोलने से नहीं जाते, संस्कार तो अंदर के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, संस्कार तो भावों से भी जाते हैं। अब जब तुम्हारे संस्कार शुद्ध नहीं, औलाद के संस्कार कहाँ से शुद्ध हो जाएंगे? वो तुमसे भी ज़्यादा डाउन होंगे और नीचे जाएंगे और गलत होंगे। फिर ऐसों का चिंतन भी आप लोगों को चलता है, फिर ऐसों का ख्याल भी आप लोगों को चलता है, पहले बिगाड़ने वाले भी आप लोग, फिर इच्छा भी आप लोग रखते हो कि मैंने अगर इसके साथ सब गलत सही में साथ दिया, अब ये मेरा बन जाए, मेरा साथ दे, मेरे लिए ऐसा करे, मेरे लिए वैसा करे। ये सब आप विचार करो तो कहानी सारी गलत है। मेरा मान के पालना शुरू की, गड़बड़ कर दी, राइट एटीट्यूड्स नहीं दिए गए, सही संस्कार नहीं दिए गए, सही परवरिश नहीं की गई। हाथ तो होता ही, आप ये तो नहीं कह सकते कि किसी के बिगाड़ में आपका हाथ नहीं होता। बाप सख्त होता है, मारेगा, माएँ सोचती हैं चलो बाप को बताओ ही नहीं, अब मैं पापा को नहीं बताऊंगी, पर ध्यान रखियो आगे से, उसको समझ आ गई ये रास्ता खुल गया, माँ फिर नहीं बताएगी पापा को। पहली बार अगर बता लेते, अच्छा चलो उसको कह भी दिया तुमने हम नहीं बताएंगे, तो भी हस्बैंड से ईमानदारी रखती, पता होता ही कह देती कि आप कुछ कहना नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, देखते हैं नेक्स्ट टाइम क्या करता है। पर आप अपनी मार का भी इंतज़ाम करते हो, जब ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी फिर अगला तुम्हें भी चिल्लाएगा कि तूने क्यों पर्दा डाला उसके कर्म पे, तूने क्यों नहीं मुझे बताया पहले से। कहानी कहाँ से कहाँ पहुँचती है? अब ये ध्यान पहले भटका मुँह में, गंधारी ने क्या किया, पति के मुँह में पट्टी बांधी, बेटे के मुँह में पट्टी खोली, पता है ना बाद में पट्टी कब खोली थी, दुर्योधन को बुलाया था, पट्टी खोली बेटे के मुँह में। पहले आप मुँह में चिंतन करते हो, उनके गलत सही में साथ देते हो, सारा बुढ़ापा फिर उनके कर्मों को रोते हो बैठ के याद करके, फिर ध्यान जाता है ये ऐसे निकले, ये ऐसे निकले, दुनिया में हम मुँह दिखाने लायक नहीं। अब बोलता कोई नहीं है, देखो रिश्तेदार भी हैं, बोलेगा कोई कुछ नहीं, पता तो चल ही जाता है, क्यों नहीं पता चलता? एक आदमी खाने पीने वाला हो वही पता चल जाता है, गलत संस्कार हो, गलत कंपनी हो, पता चलता है, बोलेगा कोई कुछ नहीं, दिखता तो सब कुछ है, और दुनिया बड़ी छोटी है, सबको सब कुछ पता ही रहता है। लगेगा हमने पर्दे डाले हुए हैं, पर्दे पड़े नहीं, सब कुछ खुला पड़ा है, सबको सब कुछ, कोई कहीं तो कुछ ना कुछ देख ही लेता है। छिपके सिगरेट पीते हैं बच्चे, वो भी दिख जाता है, कॉलेज में मार्केट में कोई ना कोई देख लेता है, कोई पर स्त्री के पास जाता है पता चल ही जाता है, कोई ना कोई पहचान वाला निकल आता है, अरे आपका फलाना तो इस फ्लैट में बहुत आता जाता है,
अकेली लड़की रहती है यहाँ पर, तो खबरें तो फैलती हैं, कहाँ हो सकता है कि कुछ छिप जाए, छिपता कुछ नहीं। अरे बड़ी गलत संगति है इसके बेटे की, तो खड़ा रहता है सड़क पे आवारा लड़कों के साथ, नहीं पता चलता क्या? सब पता चलता है। अब जब आपको गलत में सहयोग देना था तब भी ख्याल किया, अब परिणाम निकलते हैं तो भी ख्याल किया, तो ख्याल कहाँ जा रहा है? मेरे में। तभी भगवान ने अर्जुन को बोला था, सबसे मन निकाल के मेरे में रख, पर आप इतना मन रख चुके उन लोगों में, अब निकाले नहीं निकलता, अब अटका पड़ा है मन, अब उलझा पड़ा है मन, अब परेशानी हो रही है अंदर अंदर, अब दिक्कतें आ रही हैं अंदर अंदर, ख्याल चलता रहता है। फिर ये लगता है आगे क्या होगा, इनका फ्यूचर क्या होगा, ये क्या करेंगे आगे, बहुएँ कैसी आएंगी, ख्याल तो दूर दूर तक जाते हैं आप लोगों के। लेकिन सोचो, उनकी दुर्गतियाँ बनाने में आपका मोह ही तो दोषी है, मेरापन ही तो दोषी है। प्यार गुरु भी बहुत करता है लेकिन दोष एक नहीं बख्शता। ये सही परवरिश होती है, ये सही प्यार होता है। आप जानते हुए भी कि अगला गलत है फिर भी सहयोग देते हो, क्या करो, ऐसे थोड़ी होता है, छोड़ा थोड़ी जाता है। आपके पास ऐसे ऐसे कमज़ोर विचार हैं, स्ट्रांग थाट्स हैं ही नहीं। ज्ञान भी सुना है, जो खुनकी आनी चाहिए ज्ञान की वो नहीं दिखती है, जो एक स्ट्रांगनेस आनी चाहिए ज्ञान की वो नहीं दिखती है। मजबूत बनो, स्ट्रांग बनो, बल्कि अगलों को भी डर होना चाहिए कि ये लोग बड़े स्ट्रांग हैं। जब हमें पता होता था हमारे माँ बाप हमारा किसी गलत में साथ नहीं देने वाले हैं, हम लोग काम करने से ही डरते थे। पता था कि घर से मार पहले पड़ेगी, पर्दा तो किसी ने क्या ही डालना है, चार को ये लोग खुद ही बता देंगे, तो हिम्मत नहीं होती थी ना। हिम्मत किसकी होती है? जिसको पता है मेरा साथ दिया जाएगा। और ये गति दुर्गति मोह वाले की है कि सौ सौ जूते खाए तमाशा घुस के देखे। जूते भी खाता है रोज उन्हीं से, फिर भी तमाशा घुस के देखे। हिम्मत नहीं कर पाओगे बेटे को कहने की कि भैया कमाता नहीं है, खाता पीता तू है, निकल यहाँ से, चल मेरा घर कर खाली। हिम्मत नहीं कर पाओगे, बिठा के खिलाओगे और मिन्नतें करके खिलाओगे, तू नहीं खाता तो मैं भी नहीं खाती, देख ले फिर, नहीं खाता तो नहीं खाए ना, करने दो पछतावा अपनी गलतियों का। तो तुम्हारे अंदर स्टेमिना ही नहीं, कमज़ोर हो, वीक हो। ज्ञान अंदर जाएगा मजबूत बनाएगा, ज्ञानी पक्षपात रहत हो जाता है। ये मेरे वालों से भी पक्षपात क्यों? न्याय सबके लिए एक है, सजा सबके लिए एक है, चला गए। प्यार गुरु इतना करता है, भगवान इतना प्यार करते थे कि संसार में लगता था कोई हमको प्यार और कर ही नहीं सकता, उनके प्यार के आगे सब तुच्छ लगा। लेकिन अगर किसी भूल पर जब वो सीधा करते थे ना, कई बार हम लोग पूछते थे कि जब आप गद्दी पे बैठते हो आपको पता नहीं चलता हम वही हैं, बोला मुझे नहीं दिखता। उस समय खाली हमको तुम्हारी भूल समझ में आ रही होती है और हम उसको तुम्हारे जीवन से निवृत्त करना चाहते हैं, सारा प्यार एक मिनट में भुला देते थे और फिर बोलते थे मेरा प्यार ये है असल में, तेरे जीवन में दोष ना रहे बाकी, ये मेरा प्यार है। प्यार की परिभाषा संसार में फर्क है,
कोई मेरे दोष छिपा दे। लोग मित्र किसको कहते हैं? जो उनकी भूलों में मदद करें, उनकी वासना पूर्ति में मदद करें, उनको लोग कहते हैं कि ये हमारा मित्र है। लेकिन हम लोगों के पास मित्रता की परिभाषा क्या है? मित्र वो जो सही मार्ग पर लेके जाए, मित्र वो जो राइट एटीट्यूड दे, मित्र वो जो तुम्हें सही और गलत की पहचान दे पाए। हमारे यहाँ मित्र की परिभाषा, प्रेम की परिभाषा सब फर्क है, और ज्ञानी कभी चिंतन में नहीं आता किसी के। चिंतन क्यों करना किसी का? किसी के साथ कमज़ोर क्यों पड़ना? अगर कोई गलत है तो उसको काट के फेंक सकते हैं, हिम्मत है। आज अपनी बाह में सेप्टिक हो जाए तो कटवानी पड़ती है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ज्ञानी गलत को बर्दाश्त नहीं करेगा, या तो अगला अपनी गलती छोड़ दे, नहीं तो हम उसको भी छोड़ सकते हैं। मेरा नहीं बनाया ना, जो आया है वो क्या एम लेके आया है? संवरने आया है, बनाने आया है अपने को, वही काम करे। अब आप कहते हो ग्रस्त भी भगवान ने दिया, चलो आपकी बात ऊपर रखते हैं, ये परवरिश करने का काम भी भगवान ने दिया, ठीक आपकी बात ऊपर रखते हैं, पर आप केवल परवरिश कर रहे हो। परवरिश मुंह से तो नहीं होती, परवरिश में किसी की गलत बातों को साथ देना तो नहीं होता। क्या भगवान ने कहा था परवरिश मुंह से करना? क्या भगवान ने कहा परवरिश में तुम किसी की गलत बातों का भी सहयोग करते रहना? कहा क्या भगवान ने? नहीं कहा ना। इसका मतलब भगवान का नाम लगा के आप अपने मोह की पूर्ति कर रहे हो, फर्ज की पूर्ति नहीं कर रहे हो। चलो आप कहो भगवान ने ये फर्ज ड्यूटीज दी, लेकिन आप फर्ज की आड़ में मोह पूरा कर रहे हो। ड्यूटी तो इंसान पक्षपात रहे तो के कर सकता, केवल ड्यूटी समझे अगर कर सकता है। आज अभी आपको हम कोई ड्यूटी दे दें कि यहाँ लाइनों से भेजो सबको, कोई दिक्कत थोड़ी है ड्यूटी करने में। पर कोई सहेली है उसको घुसा दोगे बीच में, आजा आजा तू यहाँ से निकल जा। ड्यूटी ईमानदारी से कौन कर सकता है? जिसकी ना काउ से दोस्ती ना काउ से वैर, ईमानदारी से ड्यूटी वो देगा, नहीं तो ड्यूटी में भी बेईमान हो जाओगे। अब यही कुछ होता है कि अगर आप कहते हो ईश्वर ने मुझे ये सेवा दी घर ग्रस्त की, बाल बच्चों की, आप ईमानदारी से करो। ईमानदारी कहाँ है? बहुत बेईमानी है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं अभी, कहना नहीं मानते, सुनते नहीं, शरारतें करते हैं, आप सोचते हो हमारी पालना है? खड़े खड़े बच्चा मोबाइल फेंक के तोड़ देगा, ही करने लगोगे आगे, सोफा फाड़ देगा, ही करने लगोगे आगे, क्या संस्कार दे रहे हो? हिरण्यकश्यप और दुर्योधन ही तो तैयार कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? इन्हीं छोटी भूलों पे पकड़ो, भय दो, तो आगे किसी बड़े कर्म को अंजाम देने से उनको डर लगेगा, और जब ऐसी आदतें डाल दो उसके बाद जब आप करने लगो कोई सख्ती, अब वो सुनेंगे नहीं, आपके भी विरोधी हो जाएंगे, क्योंकि समय चूक गया।
जब समय था वो सब करने का, आपने नहीं किया, समय चूक गया। करना था सो ना केओ, पड़ेओ लोभ मोह के फंद। नानक समय ओ रम गयो, अब क्यों रोवत तंद। जब वक्त था तब संभाला नहीं, और जब तुमने संभालना चाहा, अब वो संभालना चाहते नहीं। बड़ी एज में तुम संस्कार बदलना चाहो, नहीं बदलेंगे। चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। अगर चोरी की आदत पड़ी हो किसी को, तो चाहे तुम सम्मान मंदिर का मंगवा लो। क्यों झगड़े मचते हैं मंदिरों में, इसमें उसमें? क्योंकि हर व्यक्ति सच्चारा नहीं होता। माइक तुम मंदिर के लिए मंगवा लो भाई, लाख रुपए का सामान, बीच में अगला 40,000 अपने खा गया, नकली बिल बनवा दिए, कहीं कुछ कर दिया, खा गया बीच में। और कभी कभी तो बिल मांगो तो तुम बुरे बनो, विश्वास नहीं है हमसे, बिल मांगते हो, पैसा खाया गया, है ना। संस्कार ऐसे हों तो चोरी तो नहीं करी, हेरा फेरी में सेटिंग कर ली। ये चक्कर होता है। अब जिनको आदत डाल दी तुमने ऐसा पैसा खाने की, ऐसा अन्न खिलाया, ऐसा उनका मन बनाया, या उनके कर्मों में साथ दिया, तो एक समय जब तुम बदलना चाहोगे, नहीं बदलेंगे। अगर आज बाप सिखा दे बेटे को, बेटा कोई काम तेरे से कहे ना, बीच में अपना खा लिया कर, 5 रुपया 10 रुपया, तू क्यों करता है मुफ्त में काम? जिस दिन बाप काम बताएगा वो उस दिन भी खाएगा। बाप अब ये ना सोचे कि वो उसको बख्श देगा। सुनारे मशहूर हैं, कहते हैं सगे बाप को भी नहीं बख्शते, मशहूर हैं नहीं हैं, ये सच्चाइयाँ हैं। क्यों नहीं बख्शते सगे बाप को? क्योंकि बाप शुरू से ट्रेनिंग देता है पब्लिक को, कैसे ठगना है दुकान पे ना, सोना कैसे, क्योंकि सुनार कभी घाटे में नहीं। आप कहोगे इतना उसने मेरे को दे दिया बेनिफिट, बस देखते जाओ तुम, उसने कहीं ना कहीं टांका लगा लिया। कहाँ से सीखा? बाप से सीखा। तो अब उसको इतनी आदत हो जाती है कि जिस दिन बाप भी उसको देगा ना अंगूठी बनाने को, उसमें भी टांका मारेगा वो। ट्रेनिंग ही ऐसी है उसकी, बेचारा मजबूर है, ट्रेनिंग ऐसी है, वो गड़बड़ करेगा वहां से भी करेगा। सो ये संस्कार कहां से आए? तुम्हीं से आए, तुम्हीं ने सिखाया। एक बहू बेटे ने कटोरा एक रख दिया घर में कि जो बुजुर्ग बाप है बस उसको इसी में दूध चाय सब देंगे, इसी में खाए इसी में पिए। 2-4 दिन बाद देखा बेटा स्टोर में कुछ कर रहा है गैराज में। बेटा ये क्या कर रहे हो? बोला लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ। तूने क्या करना? बोला आप लोग बुढ़े हो जाओगे, चाहिए नहीं होगा, बना के रख रहा हूँ। ऐसे ट्रांसफर होता है। जो हम किसी को दूसरों के लिए सिखाते हैं, एक दिन वो हमारे से भी तो लागू करेगा। वैर सिखा दो, नफरतें सिखा दो, एक दिन ये तुम्हारी झोली में आने वाली हैं। आज नहीं 4 दिन बाद आएंगी जरूर। तुम्हीं ने तो सिखाया। कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग छोटे होते थे, घर में कोई आ जाए, बुआ आ जाए, चाचा आ जाए, कोई आ जाए, हम लोग इतने चिपक लेते थे, रहो हमारे घर, रहो बैठो, क्यों जा रहे हो? आजकल बच्चे देखना भी नहीं चाहते, और कोई आ जाए तो सीधे मुंह नमस्ते भी नहीं करना चाहते। हम लोगों को ऐसे लगता था हमारा फ़र्ज़ है चिपक के सोफे पे बैठे रहें, इनके साथ खाएं पिए, है ना। आजकल बच्चे नमस्ते भी मुश्किल से, और अपने रूम में दरवाज़ा बंद, आप लोग बैठो हमारा क्या मतलब। जिन बच्चों को तुमने सिखा दिया इग्नोर करना परिवार को, तो
एक दिन तुमको भी तो इग्नोर करेंगे और करते ही हैं। तुम्हारा किया तुम्हारे सामने आ रहा है। बड़ी सीधी सी बात है, अपने कर्मां दा फल पाया, पीछे रोयो मत ना। बाद में रोने का कोई फायदा नहीं, तेरे ही कर्मों का फल तेरे को देता हूं अर्जुन, मैं भी कुछ नहीं करता हूं। करो अपने बच्चों को, पति को, परिवार से अलग करो, एक दिन तुम खुद अकेले रह जाते। कई स्त्रियां देखी ऐसी, पति को परिवार से काटा, बच्चों को काटा, नहीं नहीं बस मेरे तक रहो, मेरे मायके तक रहो, एक समय आता है खुद अकेले जीना पड़ता है। सब कर्मों के हिसाब, तुम्हारा ही किया तुम्हारे सामने आ रहा है, जियो अकेले में। अब वही बच्चे ही नहीं पूछते, वही घर छोड़ के चले जाते हैं, वही पटक जाते हैं अकेला रहो। अब जमाने को सारा दोष नहीं है, आपके मेरेपन को भी बड़ा सारा दोष है। जमाना तो यूं ही बदनाम हो गया, जमाने को क्या हुआ, जमाना ऐसा आ गया, समय ना, समय को कुछ हुआ ना जमाने को कुछ हुआ। एक बार अपने अपने गिरेबान में झांको, क्योंकि आज भी परिवार हैं, जुड़े हुए हैं, प्यार में हैं, एकत्व में हैं, खुश हैं, एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं, आज भी हैं। समय तो सब तरह का है, आज गुरु ने ये परिवार बनाना सिखा दिया, समय तो बहुत अच्छा है। इतना बड़ा परिवार कि घर छोटा पड़ गया है ना, इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा परिवार कि बड़े से बड़ा हॉल छोटा हो जाता है ना परिवार। सोच के देखो, किसी परिवार में मणों के हिसाब से आटा नहीं गुथा जाता, यहां गुथा जाता है। किसी परिवार में टेम्पो भर के सब्जी नहीं आती, यहाँ आती हैं। एक त्यौहार होता है, सब्जी हम बोलते हैं ले आओ, कहते हैं गाड़ी में तो आएगी नहीं, टेम्पो बुक होएगा, वो ट्रक भर के पहुँच जाता है बैंकेट में, बोरियों पे बोरियाँ उतरती हैं। आज भी तो इतना बड़ा परिवार है ना, प्यार का परिवार है। अब ख्याल ज्ञानी को भी है सबका, आएंगे ऐसा होएगा वैसा होएगा, ख्याल ज्ञानी को भी चलता है सबका, प्यार करता है सबको, लेकिन सही संस्कार भी देता है। अभी हम भी कहीं जाते हैं, आसपास के शहरों के सब पहुंच जाते हैं, चलो सब आ गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेके क्या गए, ये सच लेके गए ना। परिवार तो यहाँ भी है, प्यार तो यहाँ भी है, लेकिन संस्कार तो सीधे हैं, सही हैं, बात ज्ञान की। जहाँ भी बैठो, बाद में खाना खाओ, कुछ करो, फिर क्या है भजन, फिर क्या है सत्संग, फिर क्या है समाधानता दो सबको, प्रश्न का उत्तर दो सबके, यही होता है ना। तो चलो मेरा तो गुरु ने भी बनाया, लेकिन इतनों को मेरा बना लिया कि एक दो मेरे ना बचे। आपने भगवान की सृष्टि से दो चुन लिए मेरे, अब बगीचे में भी जाओ, डाल से अगर आपने तोड़ लिया फूल, मेरा वही मुरझाएगा। जिसने कहा बगीचा मेरा, वहां तो सारे फूल खिले हुए सुंदर लगेंगे, जिसने कहा फूल मेरा, फूल कुमला जाएगा। सारी सृष्टि को अपनाओ, सबको प्यार करो। अब ज्ञानी का किसी के लिए ख्याल करना बंधन नहीं है, तुम्हारा ख्याल करना बंधन है। समझो ज्ञानी ख्याल करता है, अरे फलाना बीमार है, कोई जाओ मिल लाओ, चलो आज हम ही चलते हैं, बंधन नहीं है, उसका प्यार है। पर तुम क्योंकि एक दो कोई मेरा बनाए बैठे, उन्हीं के पीछे भागते रहोगे, तुम्हारा बंधन हो गया। लव फॉर वन इज बॉन्डेज, लव फॉर ऑल इज सल्वेशन, सर्व के लिए प्यार मुक्ति है। तुम बंद जाओगे, हमारे यहाँ भी लोग बीमार होते हैं, जिसका मौका लगता है वही सेवा कर देता है, तुम तो बंद के ही बैठ जाओगे, नहीं मेरे बेटे की सेवा तो मुझे ही करनी है, मेरे पति की सेवा तो मुझे ही करनी है, मुंह में गिराइयाँ देनी है। हम लोग पूछ लेते हैं, भैया भूख है खाना है,
नहीं तो बता देना जब खाना हो, खत्म। अब अंतर यहाँ आ जाता है ना, मेरे बनाए तो ख्याल पीछा नहीं छोड़ेगा, जिसने मेरे नहीं बनाए उसको ख्याल करने की आवश्यकता ही नहीं। ईश्वर की सृष्टि में सबकी पालना हो ही रही है, तो ध्यान कहाँ जा रहा है जहाँ मेरे बनाए, बिगाड़ कहाँ हो रहा है जहाँ मेरे बनाए, दुख सुख कहाँ व्याप रहा है जहाँ मेरे बनाए, ये सारी प्रॉब्लम है मेरेपन की, ये सारी उलझन है मेरेपन की। ना कर अब तू मेरा मेरा, टूटेगा अभिमान जो तेरा। गुरु जब अभिमान तोड़ता है तो पता चलता है मेरा मेरा करना बेकार है, और इस मेरे की सृष्टि ने मुझे फंसा रखा। अभी हीरा गिर जाए तुम्हारी अंगूठी में से, हीरा नहीं रोएगा, तुम रोएगा मेरा हीरा गुम हो गया। तुम्हारी आसक्ति सब में दुख का कारण, अगड़ों के बिगाड़ का कारण, तुम्हारी अपनी परेशानी का कारण, इसीलिए खेचल में रहते हो। निष्पक्ष आदमी खेचल रहत होता है, पक्षपाती के अंदर खेचल है। निर्मोही आदमी मुक्त है, सब ख्यालों से मुक्त है। मोह वाले को ख्याल चलता रहे, अच्छे हैं तो ख्याल चलेगा, बुरे हैं तो ख्याल चलेगा। दशरथ जी को किसने मारा, किसने मारा? राम तो भगवान थे, जिसका नाम सबको तारने वाला है दशरथ जी को वही डुबा गया। क्यों? बेटा करके जाना, मोह रखा। अब सारी दुनिया कहती है राम के नाम में मेरे प्राण निकल जाएं, दशरथ जी के तो सचमुच निकले पर वो पितरलोक में अटके। क्यों मुक्त नहीं हुए? क्योंकि बेटा राम बुला रहे थे, राम भगवान नहीं बुला रहे थे। वही नाम साधु कहे वही नाम संसार, राम नाम हर को कहे पर कहने को विचार। दशरथ जी को राम के राग ने ही मार दिया, वरना जी जाते। आया समझ? ये चक्कर है सारा।